अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। हाय, मैं सारी मजबूरियां कैसे बता दिया आज तुझे, देखे जो जग सारा घूर के तेरी कसम आए लाज मुझे। हाय, कैसे चल के मैं आऊं संभल के, मैं हल्के चुनर मोरी पायल बजे। ओह मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा। दोस्तों, हर इंसान के लिए जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे सोना। आहा, वो सोना नहीं जो आप समझ रहे हैं, सोना यानी नींद। और जिंदा रहने के लिए नींद के अलावा खाना पीना बहुत ज़रूरी है, सांस लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज जिस मैं मशहूर डांसर की बात कर रही हूँ, वो ये कहती हैं कि मेरे लिए, मेरे ज़िंदा रहने के लिए जितना ज़रूरी है खाना पीना सांस लेना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है डांस करना। और वो है अपने दौर की बहुत मशहूर डांसर, खूबसूरत मधुमती। जुल्फों की कहानी है, जन्नत की निशानी है, नगमों की जवानी है, दिल का शहर सुहानी है, तीस मई 1944 में पैदा हुई थी मधुमती, मुंबई में एक पारसी परिवार में। उनके पिता जज थे और उनका नाम था दारा बहराम जी रिपोर्टर। मधुमती की मम्मी का नाम था पेरीन और वो हाउसवाइफ थी। और हम आपको बता दें कि मधुमती का असली और पूरा नाम है हुटॉक्सी दारा रिपोर्टर। मधुमती के तीन भाई भी थे और सबसे बड़े भाई का नाम था पीलू दारा रिपोर्टर। और वो 84 से लेके 94 तक क्रिकेट अंपायर रहे थे। मधुमती की दो बहनें भी हैं, उनमें से एक बहन का नाम है रुखसाना और वो हीरोइन थी और उसका फिल्मी नाम है वैशाली। जब हमको छू लिया तुमने, अरे हो हो, सुनते हो क्या किया तुमने, अजी कहो कहो। डांस करने का शौक मधुमती को बचपन से था और यही वजह थी कि पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता था, फिर भी बड़ी मुश्किल से उन्होंने 10th पास किया। और साथ ही साथ वो क्लासिकल डांस भी सीखती रहीं। उन्होंने भरतनाट्यम सीखा था गुरु चंद्रशेखर पिल्लई से और कथक सीखा था गुरु श्रीवास्तव दुल्हारी से और उनका ताल्लुक था लखनऊ घराने से। डांस करने के मामले में मधुमती बहुत वर्सेटाइल थी। उन्होंने कथक और भरतनाट्यम के अलावा और भी कई क्लासिकल डांस सीखे थे, जैसे मणिपुरी और कथकली। और फोक डांस करने में, अरे फोक डांस करने में तो वो माहिर थी और उससे भी ज़्यादा अच्छा करती थी फिल्मी डांस। ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी, ले दारू ले दे सैया ओढ़नी, फिर दिखलाओ मोड़नी के चाल में दिल दारू, ले दे सैया ओढ़नी पंजाबी, ले दारू। फिल्मों में सबसे पहले ब्रेक दिया था मधुमती को मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर धीरू भाई देसाई ने 1959 में, और उस पहली फिल्म का नाम था राजा हरीश चंद्र। और उसके बाद तो ये सिलसिला ऐसा शुरू हो गया कि मधुमती ने कई सालों तक बड़ी बड़ी सुपरहिट फिल्मों में बेहतरीन डांस किया। नरगिस और सुनील दत्त मधुमती को बहुत ज़्यादा चाहते थे और इसकी वजह ये थी कि मधुमती दत्त साहब को राखी बांधती थी। 60 के दशक में नरगिस और सुनील दत्त ने एक बहुत बड़ा बैनर बनाया और उसका नाम था अजंता आर्ट्स।
और उसमें वो लाइव शोज करते थे। ख़ास तौर पे जाते थे वो सरहद पर और उन दिनों फौजियों का दिल बहलाते थे। उनके साथ इस ट्रुप में बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार भी होते थे, बड़े बड़े सिंगर्स भी होते थे और ढेर सारे डांसर्स भी। मधुमति के अलावा एक और बहुत मशहूर डांसर थे और उनका नाम था मनोहर दीपक। तड़के नु उठ के रिड़ का गेली थड़े आण गलतनु मधुमति और मनोहर दीपक कई सालों तक स्टेज पे और फिल्मों में साथ साथ काम करते रहे। बहुत वक्त साथ में गुजारा, दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और पसंद करने लगे। और जब नरगिस और सुनील दत्त को पता चला तो उन्होंने दोनों की शादी करवा दी। अभी कम सिन हो नादा हो जाने जाना क्या करोगे, मेरा दिल तोड़ दोगे मेरा दिल, पहले सीखो दिल लगाना। मधुमति अपने पति से बेपना मोहब्बत करती थी, बहुत प्यार करती थी और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उनके पति मनोहर दीपक उम्र में उनसे कई साल बड़े थे, पहले से शादीशुदा थे, चार बच्चों के पिता भी थे और उनकी बीवी, अफसोस कि उनकी बीवी की डेथ हो गई थी। बस इसी वजह से मधुमति की माँ इस शादी से बहुत ज़्यादा नाखुश थी और नाराज़ थी। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अरे तू पागल हो गई है, अभी तो तू खुद बच्ची है सिर्फ 20 साल की, कैसे पालेगी तू चार चार बच्चों को, मोहब्बत में तू इतनी अंधी हो गई थी कि तुझे ये चार बच्चे दिखाई नहीं दिए। मधुमति ने कहा, हाँ माँ दिखाई दिए थे, दिखे थे, चारों बच्चे मुझे नज़र आए थे और मैंने इन्हीं बच्चों की खातिर मनोहर जी से शादी की ताकि मैं इन चारों बच्चों को माँ का प्यार दे सकूँ, भरपूर प्यार और मोहब्बत दूँ और बहुत अच्छी परवरिश करूँ। 25 सालों तक मनोहर दीपक और मधुमति फिल्मों में काम करते रहे, हिंदी फिल्मों में भी और पंजाबी फिल्मों में भी। मधुमति की आखिरी फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। तो फिर चुपके से 6 महीने का खर्चा ढीला करो वरना खड़े खड़े इस फरिश्ते को शैतान बना दूंगी। अरे लगता है बिजली कड़की। कड़की तो नहीं, जिस दिन ये बिजली कड़की ना सारी वखार को जलाकर राख कर देगी मियाँ। ऐसा मत कहो बिज्जू, अब तुम यहाँ से चली जाओ, मैं फौरन पैसे भिजवा दूंगा। बेहतर होगा, आदाब। अमर अकबर एंथनी के बाद मधुमति ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और अपना डांस स्कूल खोल लिया और बड़े बड़े हीरोज और हीरोइंस ने उनसे डांस सीखा, जैसे अक्षय कुमार, गोविंदा, अमृता सिंह और तब्बू। डांस के साथ साथ मधुमति ने अपने नाम का एक्टिंग स्कूल भी खोल लिया और ये दोनों अभी तक कंटिन्यू है। लेकिन अफसोस कि सन 2006 में मनोहर दीपक ये दुनिया छोड़ के चले गए। मधुमति कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार और चढ़ाव आए लेकिन मैं फिर भी बहुत खुश हूँ और इसकी वजह यह है कि अब मेरे बच्चे जवान हो गए हैं, बड़े हो गए हैं और ज़िंदगी में वेल सेटल्ड हैं। मधुमति बहुत खुश हैं और कहती हैं कि मेरे बच्चे मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अगर मेरे अपने बच्चे होते तो वो भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी ये करते हैं। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।